हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन। टुडे वी डिस्कस एबाकस विदाउट कॉम्प्लीमेंट लेवल वन पार्ट टू। आई एम सीकिंग हाउ टू ड्रॉ द बिट्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ बिट्स। उसके लिए हम कुछ सम्स लेंगे। अगर हमें वन ड्रॉ करना होता है तो हम नीचे वाले बिट्स को वैल्यू बार से टच करते हैं, तो ये हमारा बन गया वन। सेम ऐसे टू बनाने के लिए हमें टू बिट्स को वैल्यू बार से टच करना पड़ेगा, ये हमारा बन गया टू। सेम थ्री के लिए थ्री बिट्स को वैल्यू बार से टच करना पड़ेगा तो हमारा बन जाएगा थ्री, ये हमारा बन गया फोर। लेकिन फाइव बनाने के लिए हमेशा अपर बिट्स को वैल्यू बार से टच करना पड़ेगा तो ये हमारा बन गया फाइव। सिक्स के लिए फाइव प्लस वन तो ये हमारा बन गया सिक्स, प्लस टू सेवन, प्लस थ्री एट, एंड ऑल बिट्स को अगर हम वैल्यू बार से टच कर देंगे तो ये हमारा बन गया नाइन। वी ऑल नो वन डॉट पर मैक्सिमम नाइन काउंट कर सकते हैं, मीन्स नाइन बिट्स को वैल्यू बार से टच कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे टेन। टेन बनाने के लिए हमें टेन रॉड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाली रॉड की हेल्प लेनी पड़ेगी, और टेन रॉड पर हम बनाएंगे वन, ये हमारा बन गया वन। और वन रॉड पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको क्लियर कर देना है तो ये बन गया हमारा जीरो। अगर हम रॉड पर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो रॉड जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बन गया हमारा टेन। अब इलेवन बनाने के लिए हम टेंस रॉड पर ड्रॉ करेंगे वन बीट, एंड वन रॉड पर भी सेम वन बीट ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा बन गया वन वन एलेवन। तो ये एक छोटा सा रिविजन है लास्ट क्लास का कि आपको इसको अच्छे से यूज करना आ जाए। तो चलिए कुछ सम्स लेते हैं फॉर प्रैक्टिसेस। तो ड्रॉ करते हैं 15। इससे पहले मैं इन बिट्स को क्लियर कर देता हूं। तो ड्रॉ करते हैं 15। तो 10 स्लॉट पर हम बनाएंगे वन बिट, मींस वन बिट को वैल्यू से टच करना है। और वन स्लॉट पर हम बनाएंगे 5, मींस ऊपर वाले बिट्स को वैल्यू से टच करेंगे, तो ये हमारा बन गया 15, 1 5 15। एक और सम लेते हैं 19। आप खुद कीजिए अपने टूल में 19 बनाइए, और अगर टूल नहीं है तो आप अपने माइंड में फिंगर काउंटिंग की हेल्प से 19 ड्रॉ कीजिए, क्योंकि एबाकस एट लास्ट आपको माइंड में ही विजुअल करना पड़ेगा। आई होप आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं 19। इससे पहले मैं इन सबको क्लियर कर देता हूं। तो 19 बनाने के लिए 10 स्लॉट पर हम बनाएंगे 1 बिट, और 1 स्लॉट पर 9 बिट्स को पूरे के पूरे वैल्यू बार से टच करेंगे, तो ये हमारा बन गया 19। आप अपने हैंड में एबाकस फिंगर काउंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड में 1 एंड राइट हैंड में 9, ये हमारा बन गया 19। मूव टू लास्ट सम ऑफ टू डिजिट, फिर हम थ्री डिजिट सम्स पर मूव करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं 88 और 97। तो 88 बनाने के लिए 10 स्लॉट पर 8 बिट, मींस ऊपर से 5 बिट्स प्लस 3, तो ये हमारा बन गया 8। सेम ऐसे ही 1 स्लॉट पर भी हम करेंगे 5 प्लस 3, तो ये हमारा बन गया 8 8 88। तो अब हम ड्रॉ करते हैं 97 बनाने के लिए 10 स्लॉट पर हम बनाएंगे 9, और 1 स्लॉट पर हम बनाएंगे 7, 5 प्लस 2 7, तो ये हमारा बन गया 97। अब हम 3 डिजिट पर आते हैं। एज वी ऑलरेडी नो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100, तो हम सबसे पहले 100 ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब हम 3 डिजिट ड्रॉ करना है तो हम 100 डॉट्स को भी यूज करेंगे। तो 100 डॉट पर हम ड्रॉ करेंगे 1 एंड 10 स्लॉट 0, मींस इन सब बिट्स को क्लियर कर देना है, और सेम ऐसे ही 1 स्लॉट को भी क्लियर कर देना है, तो ये हमारा बन गया 100 100। नेक्स्ट सम इज 359। तो 100 डॉट पर हम ड्रॉ करेंगे 3 बिट्स, मींस 3 बिट्स को वैल्यू बार से टच करना है, एंड 10 स्लॉट पर सिंगल बिट्स ऊपर से टच करना है, मींस 5,
एंड वन स्लॉट पर 9 बिट्स, मीन्स सारे के सारे बिट्स को वैल्यू वहाँ से टच करना है, तो ये हमारा बन गया 9, इट्स 3, 5 एंड 9, इट्स 359। एक और सम लेते हैं 3 डिजिट का, 787। तो इन सब बिट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, तो हम बनाते हैं 787, तो 100 डॉट्स पर हम बनाएंगे 7, 5 प्लस 2 7, और 10 स्लॉट पर हम बनाएंगे 8, तो ये हमारा बन गया 8, एंड सेम 1 स्लॉट पर हम बनाएंगे 7 अगेन, तो ये हमारा बन गया 7, तो ये हमारा बन गया 787। तो अब हम मूव करते हैं 4 डिजिट्स नंबर पर, तो अब ये हम 1000 वाले रॉड को भी टच करेंगे। तो एक सम लेते हैं 1234, तो ड्रॉ करते हैं, इससे पहले मैं इन सब बिट्स को क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए ड्रॉ करते हैं 1234, इसके लिए 1000 बिट पर हम बनाएंगे 1, 100 डॉट पर हम बनाएंगे 2, 10 स्लॉट पर हम बनाएंगे 3, एंड लास्ट 1 स्लॉट पर हम बनाएंगे 4, तो ये हमारा बन गया 1234, इट्स मीन 1234। नेक्स्ट सम इज 8762, तो 1000 डॉट पर हम बनाएंगे 8, 5 प्लस 3, 8, 100 डॉट पर हम बनाएंगे 7, 5 प्लस 2, 7, 10 डॉट पर हम बनाएंगे 6, एंड 1 डॉट पर हम बनाएंगे 2, तो ये हमारा बन गया 8762। एक लास्ट सम लेते हैं 4 डिजिट का, 4635, तो ड्रॉ करते हैं, 1000 डॉट पर हम ड्रॉ करेंगे 4, 100 डॉट पर हम ड्रॉ करेंगे 6, 10 स्लॉट पर हम ड्रॉ करेंगे 3, एंड लास्ट 1 स्लॉट पर हम ड्रॉ करेंगे 5, तो ये हमारा बन गया 4, 6, 3 एंड 5, 4635। तो अब मैं एबकस पर कुछ नंबर्स ड्रॉ करूंगा और आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको वीडियोस पॉज करना है, सोचना है और रिज्यूम करके आंसर मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते, इससे पहले मैं इन सब बिट्स को क्लियर कर देता हूं। तो आंसर क्या है? आंसर इज 9, क्योंकि सारे के सारे बिट्स विलुबा से टच कर रहे हैं। आंसर इज 62, 6 एंड 2। नेक्स्ट इट्स 572, 572। नेक्स्ट आप वीडियोस पॉज कीजिए और सोचिए ये क्या है, उसके बाद आंसर्स को मैच कीजिए। नेक्स्ट इट्स 2352, 2352। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इसको 2352 बोले, आप इसको 2352 भी बोल सकते हो, क्योंकि जब आप नंबर्स लैक्स करोड़ पर मूव करते हो तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप सीधा नंबर्स को बोलेंगे तो इजी रहेगा। सो आई होप यू एंजॉय दिस सीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।